लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। दोस्तों आज जो हैंडसेट लाया हूँ मैं आपके लिए वो है दोस्तों Q11। और दोस्तों आप हैंडसेट के बॉक्स पे देख सकते हैं कि क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग मिल रही है हमें, और हैंडसेट के ऊपर भी हमें क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग मिल रही है। लेकिन ये हैंडसेट दोस्तों क्यू मोबाइल वालों का नहीं है, और इस हैंडसेट में हमें ना ही वारंटी मिलती है। तो और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस हैंडसेट को कभी भी ख़रीदना चाहें तो ज़रूर बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करके लेना आप। और दोस्तों इस हैंडसेट में हमें जो बैटरी इन्होंने बताई है बॉक्स में लिखी हुई है वो है 1800 mAh, लेकिन 1800 mAh नहीं है। और दोस्तों आइए मैं आपको इस हैंडसेट के कुछ स्पेक्स बताऊं। जो है दोस्तों 2.4 इंच की स्क्रीन मिलती है, स्मार्ट कैमरा मिलता है, और इसके अलावा FM रेडियो मिलता है, डीओडी प्लेयर, बैटरी इन्होंने 1800 mAh बताई है लेकिन नहीं है दोस्तों। और इसमें जो ये है 16 GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा, इंटरनेट ब्राउजर और गेम्स भी मिलती हैं। दोस्तों ये थे इस हैंडसेट के स्पेक्स, आइए हम इस हैंडसेट को अनबॉक्स करें और इसका शेप देखें, तो देखेंगे कैसा मिलता है हमें। बॉक्स को दिया है आपको, मैं अब हम बॉक्स को खोलते हैं और देखें इस हैंडसेट का शेप। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एसेसरीज चेक कराऊं। तो दोस्तों इसकी एसेसरीज में हमें जो है मिलता है ये चार्जर लोकल मिलता है, ये देख सकते हैं आप। देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि इस हैंडसेट में हमें चार्जर भी बहुत ही बेकार क्वालिटी का मिलता है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, जिस पे भी क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग की गई है रेपरिंग। ये हैंड फ्री है जो लोकल मिलती है, और ये है इसकी बैटरी इन्होंने बताई है कि 1800 mAh, लेकिन नहीं है, ये 1000 mAh। इस पे जो स्टिकर लगा गया है सिर्फ 1800 mAh का है, लेकिन बैटरी ये 1800 mAh नहीं है दोस्तों। और आइए मैं आपको सेंसर का शेप दिखाऊं। तो सेंसर का शेप तो हमें बहुत ही प्यारा सा मिलता है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसके कीपैड हमें हार्ड मिलते हैं, और यहाँ पे फ्रंट में इन्होंने कैमरा दिया है, स्पीकर, एयर पीस दिया है इन्होंने, 2.4 इंच की स्क्रीन मिलती है हमें, और यहाँ पे इसके ये देख सकते हैं इसकी स्क्रीन। और इसकी बैक साइड में आप दिखाऊँ तो बहुत ही प्यारी सी बैक साइड भी मिलती है हमें, या इसका स्पीकर है, कैमरा उसके साथ ही फ्लैश, और अपर साइड में हमें एक ई टॉर्च मिलती है, और डाउन साइड में ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि हमें जो जी मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो चार्जिंग जैक, माइक, और उसके अलावा ये 3.5 का आइडियो जैक भी मिलता है हमें दोस्तों। और ये था हैंडसेट का शेप, जो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा शेप मिलता है हमें, और लुक भी बहुत ही अच्छा है हैंडसेट का। लेकिन बस ये है कि एक क्यों मोबाइल वालों की इसमें ब्रांडिंग का यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और आइए हम इसको ऑन करें और देखें कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सैमसंग में। तो दोस्तों ये हैंडसेट ऑन हो गया है, अब हम चलते हैं इसकी कांटेक्ट मेमोरी में, और मैं आपको कांटेक्ट मेमोरी चेक कराऊँ इसकी। तो ये इसका हम लॉक खोलते हैं, और यहाँ पे कांटेक्ट मेमोरी सेटिंग, और सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 कांटेक्ट इस हैंडसेट में सेव होंगे, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें 100 कॉन्टेक्ट सेव होंगे। और इसके अलावा हम बैक करते हैं इसको, तो देखें कि इसके जो है कॉन्टेक्ट मेमोरी हमें कितनी मिलती है, वो भी मेरे ख्याल से यार यही मिलेगी 1800 ही, तो फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं समय सेटिंग और ब्लॉक लिस्ट का ये ऑप्शन मिलता है हमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SMS मेमोरी नहीं बता रहा है ये हैंडसेट। और राइट में चलते हैं और देखेंगे ये टाइपिंग कैसे कर रहा है, तो टाइपिंग बिल्कुल ही सही कर रहा है ये टाइपिंग भी, और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो ओपरा मिनी में चलते हैं, यहाँ पे एक्सेस एरर दे रहा है क्योंकि सिम वगैरह भी नहीं लगी इस हैंडसेट में। तो यहाँ पे अदर चीज़ें फेसबुक मिलता है, ट्विटर, अमेज़न, याहू, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ऐप्स मिलती हैं हमें,
बहुत सारी ऐप्स मिल रही हैं, फ़न में चलते हैं तो इसमें हमें गेम मिलती है एक ही, मैजिक सुशी। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा देखें तो इसकी सेटिंग में चलते हैं, सिक्योरिटी में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फ़ोन लॉक, कीपैड, ऑटो कीपैड लॉक और चेंज पासवर्ड के ही ऑप्शन मिलता है। मैसेज में हमने देखा कि इसमें जो है ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन था। और इसके अलावा दोस्तों, ये थोड़ा स्लो भी है हैंडसेट, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट भी सेव करके दिखा देता हूँ कि इसमें जो है कॉलर इमेज और रिंगटोन वगैरह सेट नहीं होंगे दोस्तों। तो इसको हम बैक कर देते हैं, कलर रिंगटोन और इमेज सेव नहीं होंगे इस हैंडसेट में। तो दोस्तों, ये था हैंडसेट जो Q11 है, जिसमें क्यू मोबाइल वालों की ब्रांडिंग का नाम दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप ये हैंडसेट लेना चाहें तो ज़रूर चेक करके लें, और बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करें इसको, कॉल वगैरह चीज़ चेक करके फिर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।